हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उजीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी खट्टी दाल। बहुत सिंपल, लाइट, डिलीशियस रेसिपी है, आप हर हफ्ते बना के खा सकते हो। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में एक कप तुअर की दाल ले लेंगे। इसे अच्छे से साफ करके धो लेंगे कम से कम 3 से 4 बार। अब हम 1/4 कप गर्म पानी ले लेते हैं और उसमें हम करीब करीब 3 टेबलस्पून इमली ऐड कर देंगे। हमें इसका पल्प बनाना है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। उसके बाद इसे हाथ से मैश करके इसका पल्प बना लीजिए। अब हमें दाल को उबालना है। उसके लिए एक प्रेशर कुकर में हम हमारी धुली हुई दाल ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये दाल में टमाटर थोड़े ज़्यादा डलते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें 3 कप पानी ऐड कर देंगे और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। हमें दाल को मीडियम फ्लेम पर पकाना है प्रेशर कुकर में और उसको 5 से 6 सीटियां आने देना है। उसके बाद गैस बंद कर देंगे और प्रेशर को रिलीज होने देंगे। उसके बाद ही हम कुकर खोलेंगे। मैंने टोटल 5 सीटियां दी है दाल को और अब आप देख सकते हो दाल और टमाटर दोनों भी परफेक्टली गल चुके हैं। अब हम दाल को विस्क कर लेंगे। विस्क करने से दाल भी घुट जाएगी और टमाटर भी पूरे मैश हो जाएंगे। मैंने दाल को विस्क कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और एक वेसल रख देंगे गैस के ऊपर और उसमें दाल को ट्रांसफर कर देंगे। हमने दाल में अभी तक बिल्कुल भी तेल ऐड नहीं किया है। दाल ऐड करने के बाद हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर लेंगे। अगर आपको दाल थोड़ी और पतली या गाढ़ी पसंद है तो आप पानी अपने हिसाब से ऐड कीजिए। अब हम इसमें 10 कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे, 2 हरी मिर्चियां ऐड कर देंगे और हमने जो इमली का पल्प बनाया था वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और दाल को उबलने देते हैं। जैसे ही दाल में बॉईल आ जाएगा हम इसमें 3/4 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, 1/2 टीस्पून बहुत होता है। मैंने दाल में बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया है तो अब मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हो। अब हम दाल को कवर करके 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे फ्लेम को लो करके। अब आप देख सकते हैं हमारी दाल रेडी हो चुकी है। कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट लग रही है इसकी। अब हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम एक पैन ले लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच राई डाल देंगे, 1/4 चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे और 8 लहसुन की कलियां चॉप की हुई ऐड कर देंगे। अब हम लहसुन को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। मैं मीडियम फ्लेम पे कुकिंग कर रही हूँ। अब हम इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे और अब हम इसमें 6 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छे से पका लेंगे। हमारा तड़का रेडी हो चुका है। हम इसको दाल के ऊपर ऐड कर देंगे
और दाल को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे आप बिरयानी के साथ सर्व कर सकते हो, इसे आप बघारी चावल के साथ सर्व कर सकते हो, इसे आप नॉर्मल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।